उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के द्वारा जाम की समस्या से काफी हद तक निजात दिलाई गई है। अगर हैवी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए तो जानलेवा सड़क हादसे नहीं होंगे। दिनांक 8/7/2019 रात्रि लगभग 11:20 पर थाना गलशही क्षेत्र भूड़े का चौराहा स्थित वाल्मीकि मंदिर के निकट पैरामाउंट एक्सपोर्टर की प्राइवेट बस और एक्टिवा चालक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। बताते चले कि पुलिस प्रशासन द्वारा गलशही में अतिक्रमण साफ होने के बाद भी सड़कों पर बाइक खड़ी होने से ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 40 साल के इरफान पुत्र जाहिद खान निवासी बीजना ग्राम भोजपुर को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इरफान और उसका भाई स्कूटी से अपने भतीजे को टीएमयू से देखकर आ रहे थे। उनकी भतीजी इलाज के लिए टीएमयू के अस्पताल में भर्ती है। हादसे में मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद दोनों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल भाई का इलाज किया गया। परिजनों के द्वारा थाना नागफनी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। इरफान नाम का जो है मृत अवस्था में चोटिल जो है पुलिस द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी बुलाया गया जिसको देखने के बाद हमने मृत घोषित कर दिया है। जिसको बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में चोट आई हुई थी उसको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस को सूचना दे दी गई। किसके साथ थे ये? अपने मामू के बेटे के साथ थे। वो कैसे थे? उसी पे बैठे हुए थे, वो स्कूटी पे। तो मतलब इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में एकदम बस आ गई, क्या हुआ? बहुत तेज थी उसकी स्पीड बस की, बेलाबूती बस। तो इस पे थाने पे तहरीर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? थाने पे तहरीर देंगे। क्या चाहते हैं इसमें? केस करना चाहते हैं।